जादुई बौने। बहुत समय पहले की बात थी, एक गांव में चार बौने हुआ करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे, तभी अचानक इनको एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज आई। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से एक औरत चिल्ला रही थी, खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात की तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारे स्कूल से नाम भी कटवा दूंगी मैं। ये कहते हुए वह औरत घर से बाहर चले गई। चारों बौनों ने सोचा कि इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बौना अपनी जादू की मदद से बिल्ली में बदल गया और रसोई में दूध रखा हुआ था उसे पीने लगा। उस बिल्ली के पांव से दूध पीते समय गलती से एक बर्तन नीचे गिर गया। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध देती हूँ, अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो बिना सोचे समझे पता नहीं मुझे क्या सजा देगी। ये सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत ही नेक दिल लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए कहा, मेरा नाम शाइनी है, ये मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं, माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो वो मुझे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। ये सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और शाइनी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था, कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए थे, कमरा एकदम साफ था। ये देखकर शाइनी ने बाकी कमरों को भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सारा घर इतना साफ कैसे हो सकता है। ये सब जानने के लिए अगले दिन शाइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और शाइनी को गुस्से में बोला, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कहकर वो घर से चली गई। शाइनी बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। ये सब जादुई बौने देख ही रहे थे कि उसी वक्त शाइनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। ये सब देखकर शाइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा शाइनी? शाइनी ने अपना दुख ना बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस करने लगी। ये सब शाइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे हैं। वे सोचती है, क्यों ना मैं इन बौनों को पकड़ लूं? लेकिन जैसे ही वह उन बौनों को पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता और सारा घर साफ दिखाई देता है। ये सब देखकर शाइनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में शाइनी की पिटाई करने लगती है और कहती है, बता कहाँ है वो बौने, कहाँ है, बोल। मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो बस एक बिल्ली को दूध पिलाया है। लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और शाइनी की पिटाई करते रही। ठीक उसी वक्त शाइनी के पापा आ जाते हैं और ये सब देखकर उसकी माँ से कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीठ पीछे इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। शुक्र है इस बिल्ली का जिसने मुझे सारी सच्चाई बता दी और आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख भी लिया है। मगर
आज के बाद तुम अगर इस बच्ची को हाथ भी लगाने की कोशिश की या पढ़ाई से रोकने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद शाइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और शाइनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर शाइनी डॉक्टर बनी और उसने कई सारे जरूरतमंद लोगों का इलाज मुफ्त में किया। शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। धन्यवाद।